ऑल आर डूइंग वेल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एक नई डोजेज फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं और वो है एरोसोल्स। तो एरोसोल्स पे ऑलमोस्ट 4 से 5 वीडियोस बनेंगी और ये डोजेज फॉर्म हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एरोसोल हमारे पास एक प्रेशराइज डोजेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं कि दिस इज़ प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा थेरेप्यूटिक एजेंट होगा। अब हम लोग किसी डोजेज फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसका पर्पज़ ही ये होता है कि हम लोग उसको मेडिसिनल यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें एक या एक से ज़्यादा कोई थेरेप्यूटिक एजेंट होगा, कोई हमारे पास मेडिसिन प्रेजेंट होगी। तो एरोसोल हमारे पास प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है और इसमें एक या एक से ज़्यादा थेरेप्यूटिक एजेंट होता है, ठीक है। और अच्छा, अब ना इसमें होता क्या है कि हमारे पास सॉलिड होते हैं या फिर हमारे पास लिक्विड होते हैं। जब हम इनको एक्चुएट करते हैं तो ये हमारे पास गैस फॉर्म में आते हैं। अब मैं इसको बताती हूँ कि किस तरीके से होता है। अच्छा, हम ना जैसे हमारे पास होते हैं परफ्यूम्स होते हैं या बॉडी स्प्रेज होते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास एरोसोल डोजेज फॉर्म होती है। ये एरोसोल नहीं है, ये हम बॉडी स्प्रे है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम इसको एक्चुएट करते हैं तो ये हमारे पास गैस की फॉर्म में डिस्पर्शन आती है। तो एरोसोल में हमारे पास दोनों तरीके से आ जाता है। इसमें हम लोग अभी तो इसमें हमारे पास लिक्विड है, लेकिन इसमें हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। और ये इसका एक्चुएटर होता है जो कि इसको एक्चुएट करता है, और हमारे पास जो लिक्विड है इनसाइड द कंटेनर वो हमारे पास कौन सी फॉर्म में आ जाता है, गैस की डिस्पर्शन फॉर्म में आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके फ़ायदे हैं और कुछ इसके नुकसान हैं, तो हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास एरोसोल होता है ना, इससे ड्रग का विड्रॉन बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट होता है, हम इसको बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें हमारे पास फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, जब एक डोजेज फॉर्म होती है ना, जैसे हमारे पास एरोसोल्स हो गए, ठीक है, तो ये हमारे पास गैस फॉर्म में आ रहे हैं, इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन, और क्योंकि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, तो इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पास मैकेनिज़्म है वो नहीं होता, और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो मेनली हमारे पास ओरल ड्रग्स में होता है, और एरोसोल्स GID को क्रॉस नहीं कर रही या GIT में नहीं जा रही, हमारे पास वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। उसके बाद स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोज, अब ये हम लोग जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें आइडिया नहीं है कि हमारे पास कितने अमाउंट में आ रही है, लेकिन एरोसोल हम लोग इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं जिसको MDIs कहते हैं, तो हम लोग स्पेसिफिक अमाउंट में अपनी डोज को डिलीवर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और फ़ायदा है कि हम लोग डोज स्पेसिफिक कर सकते हैं इसमें, जितनी हमें चाहिए उतनी। अच्छा, इसमें अब देखें, एक पूरा क्लोज सिस्टम है, ठीक है, तो कोई कंटेमिनेशन के चांसेस इसमें नहीं होते जब तक हम इस वाल्व को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, यू कैन सी, ठीक है, तो कोई कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं है, पूरा एक क्लोज सिस्टम है, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास जो फोटो सेंसिटिव मेडिकमेंट्स होती हैं, जो हमारे पास ऑक्सीजन सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा इससे इरिटेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, तो ये हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे हैं एरोसोल्स के, लेकिन इसके कुछ हमारे पास नुकसान भी हैं। ये कॉस्टली है, ठीक है, इसमें कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। अब हमारे पास एक एम्पिटी, अब एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग कहते हैं कि हमने एरोसोल को यूज़ कर लिया है, तो हमारे पास जो कंटेनर्स आते हैं उनको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सक्लूसिव्स भी हैं, ठीक है,
और कभी कभी ये टॉक्सिक रिएक्शंस भी कॉज करते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि एरोसोल है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जा रहा है, हमारी जीआईटी में नहीं जा रहा, तो उसकी टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती। तो कुछ केसेस में इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक, मतलब ये कि हमें एरोसोल किस टाइप का चाहिए। अब हमारे पास इसकी डिज़ायर करेक्टरिस्टिक में हमें इसको लेस एक्सप्लोसिव बनाना है, ठीक है। ये हमारी पहली डिज़ायर करेक्टरिस्टिक है। दूसरी बात ये होगी, हम चाहते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट ड्रग डिलीवरी हो। ठीक है, मतलब हम लोग ये नहीं चाह रहे कि हम एक दफ़ा एक्चुएट करें तो किसी और अमाउंट में ड्रग आए, दूसरी दफ़ा करें तो और अमाउंट में आए। हम चाहते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली और यूनिफॉर्मिटी के साथ ड्रग एडमिनिस्टर हो। उसके बाद इसका नॉन एलर्जिक होना ज़रूरी है। हम डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक की बात करें, ये नॉन एलर्जिक हो, किसी भी टाइप की कोई एलर्जी कॉज ना करें। और दूसरा ये लो कॉस्ट हो, तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ये है, इसको हैंडल करना आसान हो, कंटेनर का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसको हम हैंडल ही ना कर सकें। उसके बाद नॉन ब्रेकेबल होना चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे पास कंटेनर ऐसे होते हैं जो ग्लास के होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ग्लास के भी हों, तो उसके अंदर ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हों कि वो टूटे नहीं, ठीक हो गया। और इको फ्रेंडली होने चाहिए। अब जो हमारे पास ये तो इसके डिज़ायर करेक्टरिस्टिक्स होगी, हम चाहते हैं कि ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हमारे एक आइडियल एरोसोल में होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास एरोसोल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और इन कंपोनेंट्स को हम लोग एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब पहला कंपोनेंट जो हमें चाहिए उसमें आ जाता है प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट के बाद कंटेनर, कंटेनर के बाद हमारे पास वाल्व एंड एक्चुएटर, और फिर हमारे पास प्रोडक्ट कंसंट्रेट आ जाती है। ठीक है, ये चार कंपोनेंट है जिनको हम नेक्स्ट जो फर्दर वीडियोस हैं उसमें डिस्कस करने वाले हैं। हमने पढ़ा कि एरोसोल एक प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है, जो कि जिसको जब हम एक्चुएट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर जो सॉलिड है, जो लिक्विड है, वो हमारे पास गैशियस डिस्पर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस डोजेज फॉर्म के जैसे हमारे बाकी डोजेज फॉर्म हैं, उनकी तरह कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अगर हम फ़ायदों की बात करते हैं तो हमने ये डिस्कस किया कि उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, उसका डिस्पोजल आसान होना चाहिए, उसकी कॉस्ट उसका फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है, ये इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। और इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्टेंट नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा कोई हमारे पास, अच्छा एक ये भी इसका हमने बहुत बड़ा फ़ायदा पढ़ा था कि हम फोटो सेंसिटिव या फिर ऑक्सीजन सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नुकसान ये है कि बहुत महंगा हो जाता है प्रोसेस, ठीक है, एलर्जिक हो जाता है कुछ केसेस में। कुछ केसेस में हमारे पास ये होता है कि प्रोपेलेंट जो हैं वो टॉक्सिक रिएक्शंस कॉज कर रहे होते हैं। फिर हमने सारे जो डिज़ायर करेक्टरिस्टिक हमें चाहिए वो हमने डिस्कस किए कि इसको लेस